Good morning to all. Today we will discuss some other bowls of Mizrab. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था दा, रा और दिर. आज का हमारा जो बोल है वो है द्रा. द्रा है जो दा और रा दोनों के मेल से बना है, पर इसको बजाने का जो स्टाइल है उसमें द तो पूरा बोल बज रहा है, पर रा को थोड़ा जल्दी दूसरी उंगली की सहायता से हम जब बजाएंगे तो दोनों का जो टाइम है दा और रा को बजाने में लग रहा है, दा का पूरा टाइम, रा का उसका आधा समय, उसमें लेके बजेगा द्रा. इस तरह से द्रा बजाएंगे या फिर टाइम में बजाया और र को थोड़ा जल्दी उसके आधे टाइम में, इस तरह से. ये हुआ हमारा द्रा का बोल. अब है दार. दार, दा पूरा बजाएंगे और उसके बाद में थोड़ा गैप है और फिर रा का बोल. दा एस लिखने में लगेगा और र, दा एस रा, इसको इस तरह से लिखते हैं और बजाएंगे कैसे, दार दार. ज्यादा गैप के साथ बजाएंगे और फिर उसके साथ रा को जोड़ना है. दा र, दा र, दा र. इसमें हम चिकारी का प्रयोग भी कर सकते हैं. बोल हैं, मेन बोल हैं, उनके हेल्प से हम और भी बोल बजा सकते हैं जो मोस्टली हमारी रजा खाने गत, जो द्रुत गत है उसमें भी प्रयोग होते हैं, जैसे दा दिर दा रा. अगला बोल बजाएंगे वो है दा दिर दिर दिर. द सिंगल बोल है और दिर 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 दोनों का कॉम्बिनेशन. दा दिर दिर दिर. इस तरह से हमारे जो सारे बोल हैं
ये मिज़राब के अलग अलग बोल हैं जिनकी हेल्प से हम अपना जो राइट हैंड है मिज़राब के जो बोल हैं मिज़राब वाले हाथ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अभ्यास करेंगे तो इनको क्लियर बजाने में हम एबल हो पाएंगे। और ये जो सारे बोल हैं जो विशेष रूप से हमने एंड में किए हैं दोनों दा दिर दारा और दा दिर 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 ये रज़ाखानी गतों में यूज़ होते हैं। और इसके पहले जो दार है या द्रा है ये सब दोनों प्रकार के गतों में स्लो और फास्ट मसीद खानी रज़ा खानी दोनों में ही प्रयोग होते हैं। लेकिन इन जो बोलों में ध्यान रखने की बात यह है कि जब अभ्यास करना है तो थोड़ा स्लो स्पीड में अभ्यास करेंगे तो बोल जो है वो क्लियर होने चाहिए। अगर बिल्कुल साफ बोल बजेंगे तभी अभ्यास है जो वो ज़्यादा करने पे ये जो बोलों की क्लैरिटी है वो आ पाएगी। सो जब भी अभ्यास करना है ध्यान से स्लो स्पीड में अभ्यास करना है। तो ये हमारे जो मुख्य सारे मिज़राब के बोल हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं पहले भाग में भी और आज वाले में भी। सो आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपने फ्यूचर में इस चीज़ का फ़ायदा भी लेंगे। थैंक यू।